क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है. इसमें बताया गया अ लीक प्रूफ सिलेंडर ऑफ लेंथ 1 मीटर मेड ऑफ अ मेटल विच हैज वेरी लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. वेरी लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का मतलब है कि उसके वॉल्यूम में जो चेंज होगा टेम्परेचर चेंज की वजह से उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं. ठीक. इट इज फ्लोटिंग वर्टिकली इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस सच दैट इट्स हाइट अबव द वाटर सरफेस इज 20 सेंटीमीटर. कहने का मतलब ये है कि एक सिलेंडर है ना, ये जो सिलेंडर है ये वाटर में फ्लोट कर रहा है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर. ऊपर वाला जो हाइट है ये ऊपर 20 सेंटीमीटर है. टोटल लेंथ चूंकि 1 मीटर दिया गया है यानी 100 सेंटीमीटर दिया गया है. इसका मतलब ये है कि ये 80 सेंटीमीटर वाटर के अंदर है. इसके आगे कहा गया है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज टू 4 डिग्री सेल्सियस द हाइट ऑफ द सिलेंडर एवं वाटर सरफेस बिकम्स 21 सेंटीमीटर. मतलब ये है कि वाटर का जो टेम्परेचर है उसको हमने चेंज कर दिया. सिलेंडर वही है क्योंकि सिलेंडर का थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बहुत ही कम है इसलिए उसके वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा है ना. अब कहा गया कि यह है एट 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो डेंसिटी होता है जनरली मैक्सिमम होता है ना. तो 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी कम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ज़्यादा होगा. तो इसका मतलब यह है कि बायंसी फोर्स बढ़ गया होगा. बायंसी फोर्स बढ़ने की वजह से ये जो है ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया. यानी लिक्विड के अंदर वाटर के अंदर अब कितना डूबा होगा, 79 सेंटीमीटर, ऐसा कहा गया. फिर इसमें पूछा गया है द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस रिलेटिव टू इट्स डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर और वाटर की डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेशियो होगा वो हमें बताना है. रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी का रेशियो बताना है. ठीक. तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, फ्री वर्ड डायग्राम. ये जो सिलेंडर है इसका वेट यानी कि एम जी दोनों ही केस में उतना ही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से मास तो चेंज होता नहीं है तो वेट वही रहेगा. लेकिन बायंसी फोर्स चेंज हो जाएगा. यहाँ पर जो बायंसी फोर्स है वो आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, 0 ρ0 है ना. तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया इनटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या यूं कहें वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड. डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, जितना ये डूबा हुआ है. कितना डूबा हुआ है, इसका एरिया इनटू हाइट है 80. ये बेस एरिया ए और हाइट 80 ले लेंगे तो सबमर्ज वॉल्यूम निकल गया. इतना ही लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हो गया है तो उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट निकालना है. तो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम ये हो गया, एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस. ये डिस्प्लेस लिक्विड का मास हो गया और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वेट आ गया. तो डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट है उसी को हम लोग बायंसी फोर्स कहते हैं. ठीक. दूसरे वाले केस में इस सिलेंडर का वेट तो उतना ही रहेगा लेकिन बायंसी फोर्स अब चेंज हो जाएगा. अब डेंसिटी चेंज हो गया है, रो 4 हो गया, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर. अब इसका जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है ये वाला, ये आएगा एरिया इनटू ये जो हाइट है वो 79 सेंटीमीटर हो गया. 79 सेंटीमीटर अब इसके अंदर डूबा हुआ है. तो मतलब एरिया में जो चेंज है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन जो है वो नेग्लेजिबल है. तो एरिया उतना ही है, ये हाइट समझ वॉल्यूम जो है वो डूबा हुआ है, मतलब चेंज हो गया थोड़ा सा. तो अब पहले 80 था, अब 79 सेंटीमीटर का लेंथ डूबा हुआ है. तो ये हो गया समझ वॉल्यूम. डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट आ गया इंटू जी, ये बायंसी फोर्स हो गया. दोनों ही केस में ये फ्लोट कर रहा है यानी दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम में है. तो यहाँ पर लिखेंगे एम जी इज इक्वल टू रो नॉट ए इंटू 80 इंटू जी. अच्छा, इस केस में लिखेंगे एम जी इज इक्वल टू रो 4 ए 79 इंटू
जी, अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो इधर तो आ जाएगा 1 = रो नॉट बाई रो 4 इंटू 80/79। तो यहाँ से रो 4 बाई रो नॉट निकालना हो तो ये आएगा 80/79, है ना। तो यही हमें निकालना था, रो 4 बाई रो नॉट, इसका वैल्यू 80/79 जो कि 1.01 जो है अप्रॉक्सीमेटली आएगा इतना। तो देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वो 1.01 दिया गया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा।